वजीर आजम इमरान खान का दौरा बहावलपुर, नया पाकिस्तान कौमी सेहत कार्ड प्रोग्राम का इजरा होगा। रहीम यार खान, बहावलपुर और बहावल नगर के 1.5 करोड़ से जायद अफराद मुस्तफीद हो सकेंगे। चेयरमैन, अगर मेरे देखने से इनको शर्म आए, मैं पर्दा कर लेता हूँ, मैं पर्दा कर लेता हूँ और पर्दे से आप प्लीज मुझे नहीं देखता, मैं इनकी तरफ नहीं देखता। कल से स्टेट बैंक के तरमीमी बिल पर बहस हो रही है, क्या गिलानी साहब के इल्म में ये बात नहीं थी? ये इतने बेखबर, इतने मासूम क्यों थे? सैनेट इजलास, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का इजहार ख्याल। शाह महमूद कुरैशी की तकरीर के दौरान ऐवान में अरकान का शोर शराबा, चेयरमैन सैनेट खामोश कराते रह गए। जिसने इस्तीफा देना होता है वो मुंह पर मारता है, इस्तीफा इस्तीफा नहीं खेलता। मरियम नवाज ने कहा था, मेरे 3 जवान स्पीकर के पास इस्तीफा देने जा रहे हैं, कहां गए वो सारे इस्तीफे? सेनेट का इजलास, कायद ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम का इजहार ख्याल, कहा ओपोजिशन खुद 3 दिन से बयानबाजी कर रही है, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम क्यों छोड़ी? इनकी अपनी सफों में इत्तेहाद नहीं। जितने जिमनी इलेक्शन मुल्क में हुए पीडीएम जीती है, ऑपोजिशन ने मिलकर बहुत सी फतूहत हासिल की। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, कहा अभी बल्दियाती इलेक्शन होने दें, आवाम अपना फैसला देंगे। मास्टर प्लान बल्दियाती हुकूमत इस वक्त बनाएगी जब मास्टर प्लान अथॉरिटी को बल्दियाती हुकूमत को डिवल्यूर कर किया जाएगा। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम कहते हैं, आइन की रूह ही यही है कि बल्दियाती अख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल किया जाए, यही वो बात है जिसकी बुनियाद पर हम एहतजाज कर रहे हैं। 6 अरब डॉलर के IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली का मामला IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल वाशिंगटन में होगा। हुक्काम वजारत खजाना कहते हैं, पेशगी शराइत पर अमल दरामद की रिपोर्ट IMF को भिजवा दी गई, इजलास में 1 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान है। और इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज फिर से शुरू, वादे के बावजूद पे स्केल पर नजरसानी, तरक्कियां और पेंशन में इजाफा ना किए जाने के खिलाफ नारेबाजी, पाक सेक्रेटेरिएट के बाहर दर्जनों मुलाजमीन का मुजाहरा।